टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दूसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आए। इस दूसरे टी20 मैच में चाहे हर्षदीप सिंह हो या मोहम्मद सिराज हो या फिर मुकेश कुमार हो, तीनों ही तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए। वर्ल्ड कप में जहां हमारे पास मोहम्मद शमी थे, जसप्रीत बुमराह थे, वहीं जब इस सीरीज में वो दोनों गेंदबाज नहीं है तो भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल बेदम सी दिख रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा टी20 मैच खेला गया उसमें हर्षदीप सिंह की अच्छे से खबर ली गई है। हर्षदीप ने मात्र 2 ओवर डाले और 31 रन दे दिए, जिसमें पहले ओवर में हर्षदीप ने 24 रन दिए थे। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन रीजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रीड्स पारी के दूसरे ओवर में ही हर्षदीप सिंह पर टूट पड़े। उनके इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके आए। इसके बाद अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ गियर चेंज कर दिए। हर्षदीप ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में भी काफी ज्यादा रन दिए थे। उन्होंने 10 की इकॉनमी रेट से मात्र 4 विकेट अपने नाम किए थे। अगर हर्षदीप सिंह का अब तक का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने कुल मिलाकर 41 टी20 मैचों में 8.42 की महंगी इकॉनमी से 58 विकेट अपने नाम किए हैं। इस मुकाबले में सिर्फ हर्षदीप ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज भी अपने पहले ओवर में 14 रन दे बैठे थे। इस मैच के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर्षदीप सिंह को काफी ट्रोल किया गया। कई लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि हर्षदीप सिंह रन मशीन है। इस मैच में पारी के पहले ओवर में मोहम्मद सिराज ने 14 रन दिए थे, इसके बाद हर्षदीप ने 24 रन दे दिए। इसी के बाद से भारत की गेंदबाजी की लाइन गड़बड़ा गई और भारत ये मुकाबला हार गया। इसके बाद लोग बुरी तरीके से निराश नजर आए। भारत की हार में टीम इंडिया के गेंदबाजों का अहम रोल रहा। मैच में मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 27 रन, हर्षदीप ने 2 ओवर में 31, रविंद्र जडेजा ने 2.5 ओवर में 28, मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 34 और कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 26 रन दिए। सिराज और कुलदीप को 1-1 जबकि मुकेश कुमार को 2 विकेट मिला, जबकि हर्षदीप और जडेजा का खाता विकेटों के मामले में नहीं खुल पाया। इस मैच में भारत के लिए सिर्फ एक अच्छी बात रही, वो थी रिंकू सिंह की बल्लेबाजी। रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करने आए भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, रन सिर्फ 55 बने थे। उसके बाद रिंकू सिंह ने जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव के साथ साझेदारी निभाई और भारत को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया, उसके लिए चारों ओर रिंकू सिंह की तारीफ हो रही है। रिंकू सिंह ने सूर्य कुमार यादव के साथ शानदार पार्टनरशिप की। दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया। वही भारतीय टीम 19.3 ओवर में 180 रन बनाने में कामयाब रही। रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के लिए पहली बार अर्धशतकीय पारी खेली। रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर 68 रन नाबाद बनाए। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी जरूर अच्छी रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने निराश किया है। अब से 6 महीने बाद टी20 का वर्ल्ड कप खेला जाना है और भारतीय गेंदबाजों की यह दशा देखकर फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस तरीके से आप वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? क्या बिना बुमराह और बिना शमी के भारतीय गेंदबाजी ऐसी गेंदबाजी करेगी? क्या हमारे नए युवा जो गेंदबाज हैं उनकी गेंदबाजी बेदम है? कई सारे सवाल हैं जो भारतीय गेंदबाजी यहां पर भारतीय मैनेजमेंट ढूंढ रहा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 सीरीज खेल रही है। पहला मैच खेला नहीं गया, दूसरा मैच भारत हार गया है। इसके बाद सिर्फ 1 टी20 मैच और है, उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज, यानी समय कम बचा है और भारतीय गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी पर काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा।